नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत। आज हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट के ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट के ऐसे पीसीयू स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें पैसा आपका बन सकता है, एफडी से अच्छा रिटर्न दे सकता है। ओ क्या टाइम आ चुका है, जैसे वो टाइम आ चुका है मेरे अनुसार। ये मेरा फाइंडिंग है, मेरा एनालिसिस है। कहीं आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर करें। चलिए हम चलते हैं screener.com पे। हमने कुछ ऐसे स्टॉक्स का सिलेक्शन किया है जिसमें पैसा बन सकता है, और वो पैसा कैसे बनेगा, क्योंकि आपको पता है आत्मनिर्भर के तहत हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ अनाउंसमेंट किया था। जितने भी डिफेंस सेक्टर, जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी मशीनरीज हैं, सब इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, बाहर मैन्युफैक्चर नहीं होंगे। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ पैकेज का भी अनाउंसमेंट किया है, वो एनबीएफसी और कुछ एग्रीकल्चर एरिया में इन्होंने कुछ पैकेज का अनाउंसमेंट किया था, जिसके वजह से मार्केट में तेजी देखने को मिला है आज। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसमें आपका पैसा बन सकता है। चलिए हम चलते हैं screener.com पे, उसमें हम आपको बताएंगे कौन कौन से हम ऐसे स्टॉक्स का एनालिसिस किया है, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स मैंने फाइंडिंग किया है, वो भी गवर्नमेंट के पीएसयू में। आपके सामने screener.com पे हमने लिस्ट बना लिया है। पहला है जो मिश्र धातु निगम। मिश्र धातु निगम जो करेंट प्राइस चल रहा है 204 के अराउंड चल रहा है, पी रेशियो 24.0%, ना अधिक हाई ना अधिक लो, मीडियम में है। मार्केट कैप 3,836 रुपए है। डिविडेंड यील्ड है 0.59%। नेट क्वार्टर प्रॉफिट 40.39 है। क्वार्टर प्रॉफिट इसका गिरा हुआ है, मतलब 50% से अधिक इसमें पैसा लगाने का टाइम आ चुका है। सेल्स ग्रोथ जो है इसमें बहुत बेकार है, मतलब उतना नहीं रहा वो कोविड-19 की वजह से। और जो डेप्ट है, मतलब कितने करोड़ रुपए का इस पे कर्ज है, 133 करोड़ रुपए का कर्ज है। प्रमोटर होल्डिंग सबसे हाईएस्ट है, 74% है। और आपका आरओई जो है 16.07% है। अब दूसरा आ गया एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी है, जो इसका करंट प्राइस है 259.55 है। इसमें भी आज से तेजी देखने को मिला है, वो 264 265 तक गया है। पी बहुत कम है। इसमें जो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के तहत आप इसमें डाल सकते हो, 5.45% है। पी बहुत कम है, इसमें अच्छा पैसा आपका बन सकता है। मार्केट कैप है 13,098 करोड़। डिविडेंड यील्ड देता है 2.93%। नेट क्वार्टर है, प्रॉफिट है 424 का, और इसका जो इस बार का प्रॉफिट गिरा है 39.13% कंपेयर के हिसाब से, पिछले साल के हिसाब से, पिछले क्वार्टर के हिसाब से इसका इस बार का ग्रोथ गिरा है कोविड-19 की वजह से। और दूसरा सेल्स ग्रोथ जो है इसमें 4,935 का है। डेप्थ इसमें कितना है, इसमें डेप्थ भी बहुत, लोन बहुत है। इसमें लोन कितना है, 1,91,427 करोड़ का लोन है। प्रमोटर होल्डिंग 40% का है, ठीक है। और आपका सेल्स ग्रोथ 13.39% है, 0.7% सीपीएम भी, और वही है 15.89%। सेल्स ग्रोथ जो 5 साल का है वो 13.25% है। फिर उसके बाद आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक। भारत इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, डिफेंस सेक्टर में कुछ इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। आप इसमें अच्छा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो 5 साल का ग्रोथ है 14.00% सेल्स ग्रोथ। तो इसमें जब कहीं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सेल्स ग्रोथ जरूर देखना चाहिए। सेल्स ग्रोथ कंपनी का फ्यूचर डिफाइंड करता है कि कितने दूर तक कंपनी जा सकती है। तो सेल्स ग्रोथ सबसे अधिक किसका है, 14-19 है, एनबीसीसी का है। ये आपका आपको पता ही है एनबीसीसी है, आप रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है एनबीसीसी, ठीक है। फिर उसके बाद है 14 है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, 13 है एलआईसी की। तो जिसमें आपको अधिक पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एनबीसीसी में, फिर एलआईसी में, फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में करना चाहिए। और बीएचईएल में भी आपका पैसा बन सकता है, क्योंकि इसका जो पी रेशियो है, इन्होंने पी रेशियो तो डिफाइंड नहीं किया, बताया नहीं, बट अभी जो इसका पी रेशियो है 8 के 9 के आसपास चल रहा है। और सेल में भी आप कर सकते हैं, बट इसका जो सेल्स
का जो 5 साल का प्रॉफिट है 7.43%, मतलब एफडी से अच्छा है, एफडी से अच्छा रिटर्न है। ठीक है, तो आर अराउंड, फिर उसके बाद आपका आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने उन्होंने अपना सेल्स ग्रोथ को शो नहीं किया है 5 साल में कितना है, ठीक है, बट इसका जो पी रेशियो है 11.27%, जो देखो फंडामेंटल जो में हम क्या क्या चेक करते हैं, 5 साल का सेल्स ग्रोथ देखते हैं कितना है कितना नहीं है, फिर पी रेशियो चेक करते हैं, ठीक है, उस कंपनी पे कर्ज कितना है, इस कंपनी पे देखेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में जो कंपनी का डेट है 5,745 करोड़, 75 करोड़ रुपए का डेट है, मतलब इतने इन्होंने लोन ले रखा है, ठीक है, सबसे अधिक लोन एलआईसी के पास है, एलआईसी ने ले रखा है, फिर इसके बाद सेल के पास है, ठीक है, 51,200 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ऑल ओवर कहीं देखा जाए तो सबसे मस्त जो मुझे लग रहा है एनबीसीसी लग रहा है, क्योंकि इस पे डेप्थ जीरो है, इसमें लॉन्ग टर्म हाउस, सबसे आप वैल्यूएशन करो, सब कम आपका वो करो, कंपेयर करो, तो सबसे अधिक जो मेरे को लग रहा है एनबीसीसी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ जो 5 साल में 19.58% है, बट पी रेशियो जो इसका थोड़ा सा हाई है 53.50 है, ठीक है। अब हम इसको चलते हैं एनबीसीसी पे चलते हैं, एनबीसीसी में हम आ चुके हैं, जो आरओआई है 20.98%, स्टॉक पी 53%, मैंने हम बात करा था, फेस वैल्यू 1 का है, डिविडेंड यील्ड 2.80 का, 52 वीक हाई जो है 45 रुपया से, मतलब जो अभी ट्रेड कर रहा 23 रुपये, उसके हिसाब से अभी लो पे है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बैलेंस शीट देखते हैं, अब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट पे बात करते हैं, प्रॉफिट पे हम आ चुके हैं, जो उसका नेट प्रॉफिट है 2019 का 375 रुपये, 2018 का 377 था, फिर 2017 का 335 था, फिर 2016 289 था, फिर 2015 278, 257, मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है, अराउंड उसी के आसपास घूम रहा है, ठीक है। तो ऑल ओवर आप देखा देखे तो एनबीसीसी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दीपावली तक आपका जो शेयर जाएगा, जो शेयर टारगेट प्राइस है इसका 32 से 34 रुपए है, कमिंग दीपावली तक आपको अच्छा ग्रोथ दे सकता है, 20 से 25% आपका रिटर्न दे सकता है विदिन 6 मंथ में, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।